नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गाउट के बारे में। गाउट क्या होता है और जब आप गाउट को फेस करते हैं तो उस दौरान आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। खासकर मैं आपको कुछ बेस्ट फूड आइटम्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपने गाउट की प्रॉब्लम को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं और उससे जल्दी रिकवर हो सकते हैं व्हाइल यू आर टेकिंग ट्रीटमेंट, क्योंकि ट्रीटमेंट लेना इस डिज़ीज़ में भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं गाउट की। गाउट, जिसे लोग गठिया बाय भी कहते हैं, इसमें जब आपके ब्लड में यूरिक एसिड की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जब ये यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है तो ये क्रिस्टल्स का रूप ले लेता है और आपके छोटे छोटे जॉइंट्स में इकट्ठा होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपके उन छोटे जॉइंट्स में आपको लाली देखने को मिल सकती है। वो लाल हो जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, आपको बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है और आपकी जो मूवमेंट होती है उन जॉइंट्स की बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से आपको पेन भी होता है। और ये जो छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, ये आपके पैर की उंगलियां हो सकती हैं, अंगूठे हो सकते हैं, हाथ की उंगलियां अंगूठे हो सकते हैं, लेकिन अगर इसको ठीक नहीं किया जाता तो ये आपके बड़े जॉइंट्स जैसे नी जॉइंट में भी हो सकता है। और इसकी वजह से अगर इसको आप ट्रीटमेंट नहीं देते तो आपके जॉइंट्स में कुछ डिफॉर्मिटीज़ भी आ सकती हैं जिन्हें कभी बदला नहीं जा सकता। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि गाउट क्या होता है। गाउट बेसिकली बढ़ते हुए यूरिक एसिड लेवल की वजह से जो कंपोजिशन हो जाता है क्रिस्टल्स का, उसकी वजह से होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये यूरिक एसिड बनता कैसे है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके दो कारण होते हैं। एक तो ये कि आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही, यानी आपकी किडनी यूरिक एसिड को आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकाल रही यूरिन की तरह। दूसरा ये कि आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्यूरिन रिच फूड खा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी में यूरिक एसिड की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यानी कहीं ना कहीं प्यूरिन से रिलेशन होता है आपके यूरिक एसिड का। अगर आप अपनी डाइट में प्यूरिन की अमाउंट कम कर देंगे तो यूरिक एसिड ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। लेकिन प्रोटीन भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन से ही प्यूरिन बनता है और प्यूरिन से यूरिक एसिड बनता है, जो कि आपका एक वेस्ट मटेरियल होता है, टॉक्सिन अमाउंट होती है। तो आपको ये समझना होगा कि आप अपनी डाइट में जब भी कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जिससे यूरिक एसिड बढ़ सकता है, जैसे भिंडी है, खट्टे फल हैं, खट्टी सब्जियां हैं, और हाई प्रोटीन अमाउंट, जैसे आप नॉन वेज डाइट खाते हैं, चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, फिश खाते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको प्रोटीन मिलता है जो प्यूरिन में कन्वर्ट होता है और प्यूरिन आपका यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो आपकी किडनी इतने अच्छे से इसको फिल्टर आउट नहीं कर पाती, आपके ब्लड में यूरिक एसिड की अमाउंट बढ़ने लग जाती है। तो यहाँ आपको अपनी इस प्रोटीन डाइट को कुछ दिनों के लिए रिस्ट्रिक्टेड करना होता है। आपको नॉन वेज डाइट को बिल्कुल अवॉइड करना होता है, साथ ही साथ आपको एग्स को भी अवॉइड करना होता है। अगर आपकी बॉडी में टोटल प्रोटीन अच्छा है तो इस समय आप टोटली वेज प्रोटीन को भी अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है प्रोटीन, तो इस दौरान आप वेजिटेरियन प्रोटीन खा सकते हैं, जैसे कि आप लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स खा सकते हैं। आप पनीर भी खाते हैं तो आप ऐसा पनीर खाएं जिसमें ज़्यादा अमाउंट में फैट ना हो। जैसे कि आप मिल्क की बात कर लेते हैं तो आप मिल्क डबल टोन्ड मिल्क पिएं, आप फुल क्रीम मिल्क ना पिएं, क्योंकि इसमें फैट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है जो आपके यूरिक एसिड लेवल्स को बढ़ा सकती है। वहीं आपको अपनी डाइट में उन सभी सब्जियों को और फलों को इंक्लूड करना है जिनमें फाइबर की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। ये लो इन प्यूरिन होते हैं, जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ता, साथ ही आपकी बॉडी को जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी फुलफिलमेंट हो जाती है। इसके साथ साथ आप अपनी डाइट में दालों को भी इंक्लूड कर सकते हैं। दालों की भी बात करें तो सबसे इजी टू डाइजेस्ट दाल होती है मूंग दाल, जिसमें आपको प्रोटीन की अमाउंट भी अच्छी मिलती है जो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल भी नहीं बढ़ाती। तो ऐसे में आप दालों को भी इंक्लूड कर सकते हैं। और सबसे खास बात, आपको पानी बहुत अच्छी मात्रा में पीना है, ताकि आपकी किडनी अगर सही है, यानी ये पानी पीने की जो बात मैं बोल रहा हूँ आपको, ये उन पेशेंट के लिए है जिनका यूरिक एसिड लेवल किडनी की खराबी की वजह से नहीं बढ़ रहा, वो किसी और कारण की वजह से, हाई प्यूरिन अमाउंट की वजह से बढ़ रहा है। तो इस दौरान आप पानी अच्छी मात्रा में पिएं। इससे क्या होगा, आपकी किडनी, आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में जो यूरिक एसिड बना हुआ है, जम रहा है, उसको यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देगी और आपके यूरिक एसिड लेवल डाउन हो जाएगा।
और इसके साथ साथ आपको कुछ ऐसी सब्जियों को भी अवॉइड करना है, जैसे भिंडी है, आलू है, अरबी है, ये आपकी यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा सकते हैं, आपके जोड़ों में दर्द बना सकती हैं। वहीं दही को आपको अवॉइड करना है, खट्टी चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि इन चीज़ों से क्या होता है, आपके यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है और आपको और कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना पड़ सकता है। कुछ पेशेंट्स में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आती जब वो इन्हें खा लेते हैं, लेकिन इसे प्रिकॉशन बेस पर हम अवॉइड करने की ही सलाह देते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि गाउट क्या होता है, ये यूरिक एसिड क्या होता है और ये कैसे बनता है और आप इसे कैसे कम कर सकते हैं और गाउट से आप कैसे रिलीफ पा सकते हैं। अगर आप किसी भी तरीके के अर्थराइटिस को फेस कर रहे हैं, आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है, तो मैं आपको बता दूँ भारत होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। यहाँ पर आपको कस्टमाइज्ड मेडिसिंस दी जाती हैं जिनकी मदद से आपके जोड़ों में जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं उसमें आपको रिलीफ मिलता है, जो सूजन है उसमें आपको रिलीफ मिलता है, क्योंकि यहाँ पर रूट कॉज पर काम करा जाता है। जिस भी सिम्टम की वजह से, जिस भी कारण की वजह से आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उसी रूट कॉज पर काम करा जाता है और उन्हीं सिम्टम्स को कम किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिलते हैं। तो अगर आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर की टीम से कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।